तो यहाँ पे हमारी चाची जी वगैरह रोटी बना रही है गर्मा गर्म, अभी जी अकेला बना रही है। और ये देखो सोई अद को चुई जेठी माँ भी यहाँ पे बड़े बड़े बड़ा हुआ रोटी। और यहाँ पे जितने भी सब बुजुर्ग महिलाएं हैं बोले यहाँ भाभी का है। अच्छा भाभी जवान है, हमारी बहन है और चाची जी है। चाची जी है यहाँ पे गर्मा गर्म पूरी बना रहे हैं। पुपू जी भी तैयार होके आ चुकी है सगाई में और मस्त लग रहे हैं आज पुपू जी। ऐसा होता है हमारे पहाड़ों में स्वागत ढोल दमाओं के साथ में मेहमानों का। चाय पानी पी रहे हैं और बाकी देखो मेहमान तो चाचा जी का स्वागत है। चाचा जी दवा के खाना है गर्मा में खाना है बस। लाइन लगानी पड़ती है खाने के लिए कि यहाँ पे हमारे देखो बुजुर्ग टीम भी पहुँच चुकी है, हमारे लौंडे भी पहुँच चुके हैं खाना खाने के लिए। तो बाकी यहाँ पे हमारा भी खाना आ चुका है और भाई लोग भी खा रहे हैं। मामा जी ने तो पूरी थाली खा ली है। जय श्री राम, हर हर महादेव। सो गाइस स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ से। गाइस और आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं केदार घाटी से। सो गाइस मेरे गांव का नाम है सेमी गांव, जो पड़ता है उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में बसा हुआ एक सुंदर सा प्यारा सा गाँव। तो अभी देखो अभी सुबह के लगभग 9 बज रहे हैं तो हम भी नहा धोवा के रेडी हो चुके हैं। तो अब नाश्ता वगैरह भी हो गया है और अब जा रहे हैं हम अपने गाँव में जोशी लोगों के यहाँ पे, क्योंकि आज है वहाँ पे सगाई है, कल मेहंदी थी तो आज सगाई है। तो सगाई में चलते हैं तो आपको भी बताते हैं कि पहाड़ों में किस प्रकार से लोग काम धंधा करते हैं सगाई में और किस प्रकार से पहाड़ी सगाई होती है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुबह सुबह का मौसम का हाल कुछ इस प्रकार से है, नीचे देखो मंदाकिनी नदी और ऊपर देखो खूबसूरत से पहाड़ है हमारे केदार घाटी के। तो ये हेलीकॉप्टर जा रहा है बद्रीनाथ के लिए, देख सकते हैं। तो ये आ रहे हैं केदारनाथ से। तो अभी हम भी चलते हैं फटाफट से ऊपर सगाई में और फिर आपको भी बताते हैं। हर हर महादेव। तो बाकी देखो अभी हम सुबह सुबह आए हैं यहाँ सगाई में। यहाँ पे हमारी चाची जी वगैरह रोटी बना रही है गर्मा गर्म। और ये देखो यहाँ पे चाची जी खाली बैठ रखी है। क्यों ऐसा क्यों? मैंने बना दी। अच्छा आपने बना ली आपने बाटे की। और बाकी यहाँ पे हमारी भाभी जी वगैरह भी है और भाभी जी अकेला बना रही है। ये देखो कमड़े बड़े तुम, ये देखो तो पूरी देखो सोई अद को चुएगी। जेठी माँ भी है यहाँ पे। जेठी माँ बड़े बड़े बड़ा हुआ रोटी ठीक बढ़िया। और यहाँ पे जितने भी सब बुजुर्ग महिलाएं हैं बोले यहाँ पे जवान भी है बुजुर्ग है आप सब सब बुजुर्ग महिलाएं हैं। भाभी का है। अच्छा भाभी जवान है ठीक है बनाओ बनाओ। और यहाँ पे हमारी ताई जी भी है कागज पंडू लोड़ी बाकी। यहाँ पे देखो हमारी बहन है और चाची जी है। चाची जी है यहाँ पे और तो ये तीनों यहाँ पे चूल्हे पे रोटियां बना रही है। बड़े 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 है वह रोटी वे उस्ताद जी देखो गर्मा गर्म पूरी बना रहे हैं एकदम पीली पीली पूरी। बाकी यहाँ पे पूरा खाना रेडी हो चुका है देख सकते हैं पूरे बड़े बड़े बर्तनों पे। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा गुप्तकाशी मार्केट में जा रहा हूँ, थोड़ा बहुत काम है मेरा। तो अभी सगाई वाले भी नहीं आए हैं मेहमान लोग, मैंने कहा तब तक अपना गुप्तकाशी का काम निपटा देता हूँ। तो बाकी देखो आजकल रोड देखो एकदम सुनसान पड़ी हुई है, खाली खाली सी है। तो बाकी अभी हम पहुंच चुके हैं गुप्तकाशी मार्केट के अंदर। ये हमारा गुप्तकाशी मार्केट। तो बाकी यहां से काफी सारी दुकानें आपको मिल जाएंगी गुप्तकाशी मार्केट में काफी ज्यादा। तो बाकी देखो अभी मैं आया हूँ गुप्तकाशी मार्केट में। तो आजकल देखो गुप्तकाशी मार्केट में कितनी सारी भीड़ है देख सकते हैं। तो यहाँ से अपना काम निपटाते हैं और फिर चलते हैं अपने घर की ओर। तो गाइस बाकी देख सकते हैं हम अभी गुप्तकाशी में आए थे तो यहाँ गुप्तकाशी से नीचे जा रहे हैं अपने घर की तरफ और गुप्तकाशी में भयंकर वाली भीड़ है देख सकते हैं।
तो बाकी चलते हैं फटाफट, अब सगाई वाले भी आगे होंगे। अभी देखो सगाई वाले मेहमान भी आ चुके हैं, तो यहाँ पे देखिए इतने सारे हैं मेहमान, कम से कम 30-40 होंगे। तो बाकी गाड़ियों की लाइन भी बहुत ज्यादा है अभी। ऐसा होता है हमारे पहाड़ों में स्वागत तो ढोल दमाओं के साथ में मेहमानों का, तो देख सकते हैं यहाँ पे। तो बाकी यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे स्वागत है कुछ इस प्रकार से। बाकी देखो मेहमान भी पहुंच चुके हैं यहाँ पे, और ऐसे करके स्वागत होता है हमारे पहाड़ों में। ये देखो तो बाकी अभी देखो सभी मेहमान आ चुके हैं और अब चाय पानी पी रहे हैं। और बाकी देखो मेहमानों की भीड़ देखो सगाई में, और बाकी हमारे गांव वाले भी सभी आ रहे हैं यहाँ पे। देखो तो इतनी भीड़ रहती है पहाड़ों में सगाई के टाइम पे, तो देख सकते हैं। बाकी देखो हमारी पुपू जी भी तैयार होके आ चुकी है सगाई में, और मस्त लग रहे हैं आज पुपू जी। हाँ, तो बाकी यहाँ पे देखो चाय पानी भी हो गया है, अब यहाँ पे पंडित जी पूजा पाठ कर रहे हैं, और इसके बाद चलते हैं दिन का खाना खाने के लिए। सेंटेंस के अंदर चलेगी ये। तो बाकी यहाँ पे देखो जितने भी मेहमान हैं उनके लिए खाना रेडी है, सलाद है, पापड़ है, रोटी है, पूरी है। तो बाकी यहाँ पे मटर पनीर है, दाल फ्राई है, और मिक्स वेज है, और यहाँ पे वेजिटेबल पुलाव है। तो बाकी यहाँ पे देखो रसगुल्ले हैं। तो भाई खाने की तैयारी हो गई है, तो बाकी देखो एकदम गर्मा गर्म खाना है। और बाकी हमारे पीछे भाई लोग भी हैं यहाँ पे, भंडारी जी और डब्बू भाई भी आ चुके हैं, और चाचा जी भी आ रखे हैं, तो चाचा जी का स्वागत है। चाचा जी दबा के खाना है, कम कम ही निकालना है एक बार, अब उसके बाद दोबारा आना। बाकी अभी सभी लोग आ चुके हैं, मेहमान भी और गांव वाले भी, तो देख सकते हैं। तो अभी गर्मा गर्म खाना खाते हैं, फिर से लाइन लगानी पड़ती है खाने के लिए, तो ये बुफे का खाना रहता है। और बाकी लोग कुछ यहाँ पे खड़े खड़े खा रहे हैं, कुछ यहाँ पे बैठ के खा रहे हैं, देख सकते हैं मेहमान लोग। भाई साहब भी लगे हैं, भाई साहब कैसा हो रहा खाना? बढ़िया बढ़िया हो रहा। और बाकी देखो हमारे चाचा जी भी आ गए हैं, राय सिंह भंडारी जी। तो बाकी यहाँ पे हमारे देखो बुजुर्ग टीम भी पहुंच चुकी है, हमारे भाई साहब, और बाकी हमारे सिंगापुर के भाई साहब भी पहुंच चुके हैं, हमारे लौंडे भी पहुंच चुके हैं खाना खाने के लिए। सबसे पहले हैं और सबसे लास्ट में आ रहे हैं ना, ना। तो बाकी यहाँ पे गुलाब जामुन की पार्टी चल रही है, और बाकी देखो यहाँ पे देखो हमारे भाई साहब दो दो बार खा रहे हैं खाना। बाकी शुक्ला जी दिखा लो मीठे में, उसके बाद आइसक्रीम भी है उधर है। तो बाकी यहाँ पे हमारा भी खाना आ चुका है, और भाई लोग भी खा रहे हैं। कैसा हो रहा सुमित भाई, कैसा हो रहा? मामा जी भी, हम मामा जी ने तो पूरी थाली खा ली है। बाकी यहाँ पे देखो अंदर की पूजा पाठ भी हो गई है। सगाई में यहाँ पे ये है रिंग्स, तो इनको पहनाएंगे दूल्हा दुल्हन एक दूसरे के हाथों में। तो बाकी यहाँ पे देखो काफी सारे लोग आ रखे हैं, और बाकी पीछे भी देखो हमारे गांव वाले हैं। बाकी देखो अभी रोड में सामान लेके आ गए हैं, सारा सामान गिफ्ट वाले, ये भी है साड़ी सुड़ी है पूरा ये, और इसके अंदर रखेंगे गाड़ी के अंदर। सगाई से वापस आ चुके हैं अपने घर में, 4 बज रहे हैं,
चार बजे का मौसम का हाल कुछ इस प्रकार से है। थोड़ा बहुत धूप है अभी और धूप भी डूबने वाली है, बाकी देख सकते हैं। अभी रात के लगभग 7 बज चुके हैं तो इतनी भयंकर वाली बारिश शुरू हो गई है, देख सकते हैं। ये देखो भयंकर वाली बारिश शुरू हो गया और यहाँ छतों से पानी भी आने बैठ गया है। तो गाइस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड, जय केदार बाबा, हर हर महादेव, जय श्री राम।